आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे HCL टेक्नोलॉजी की। सितंबर 18 तक क्या हुआ है इसके चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पर कंक्लूड करेंगे कि सितंबर 21 की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको यहां पर अगर लॉन्ग जाएंगे तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। आइए चलकर शुरुआत करते हैं इसके चार्ट से। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। तो अगर इसका चार्ट को देखें तो क्लियरली पिछले 5 दिनों से काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है और एक फ्लैग एंड पोल टाइप से पैटर्न बन रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है और यहाँ से ये एक नैरो रेंज बना रहा है ऊपर की तरफ से। तो ये एक पैटर्न जब बनता है तब ऊपर खुलने का ज्यादा चांस रहता है इसका कि ऊपर फर्दर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इस फ्लैग एंड पोल के बेसिस पर हमारी कॉल है कि यहाँ पर लॉन्ग चला जाना चाहिए HCL टेक में मंडे को। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। कुछ और पैरामीटर देखते हैं। अगर उससे पहले बात करें, निफ्टी ने कल भी एक नीजर्क रिएक्शन दिखाया। 15 मिनट में 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हुई। हम यहाँ पर शॉर्ट थे तो हमारे को थोड़ा सा लॉस हुआ उसमें। अगर HCL टेक का सुपर ट्रेंड देखा जाए तो क्लियर बाय सिग्नल दिख रहा है। 45-50 डिग्री के आसपास एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ। वहीं पे मैकडी में भी क्लियर कट बाय सिग्नल दिख रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सेट पैटर्न है आगे फर्दर मूव करने के लिए। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। और ओवरऑल पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप लग रहा है। मंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं एग्जैक्ट टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं, पर अभी के लिए 808 पर आप बाय कर सकते हैं इसको। 801 का स्टॉप लॉस रखिएगा। I'll repeat, you can go long on HCL Tech on Monday morning at 808 rupees with keeping a stop loss of 801. दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्टिव ट्रेड करते हैं, उसके लिए पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर बात करें HCL Tech के टारगेट की तो इसका टारगेट रहेगा 825 का। जी हाँ, 825 का टारगेट बता रहे हैं इसका। बताते हैं क्यों, समझिएगा इसको ध्यान से। उससे पहले आपको बता दें टॉप 7 डे ट्रेडिंग मिस्टेक इज वन ऑफ आवर फेवरेट वीडियोस। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं बिगनर्स के लिए स्पेशली। तो देखिए जब यहां से ये बाहर निकल चुका है तो अभी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस लगेगा 825 के आसपास, 826 के आसपास, यहां पर जहां पहले था। तो आपको अपना प्रॉफिट थोड़ा पहले ही उससे कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये एक एडवाइस रहेगी। आगे मोमेंटम चलेगा तो अच्छी बात है, पर आपका प्रॉफिट एटलीस्ट आपके घर में आ जाएगा 825 पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन दबाना और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस चैनल पर आपको सीखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।